नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बूटी वर्कआउट बताऊंगा, यानी कि राउंड बूटी वर्कआउट्स। और ये सभी वर्कआउट्स सुबह उठकर आप लोगों करते हैं तो आप लोगों की जो बूटी है वो राउंड शेप में होगी, साथ ही मजबूत होगी, और जिनको हिप्स में पेन होता है वो भी जो है उसमें भी आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। एक साइड की जो फैट है वो रिड्यूस होकर आप लोगों को एक गुड शेप भी मिलेगी। और आप लोगों को भी पता है कि आज बॉडी का हर एक पार्ट जो है उसे आप लोगों को टोन्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट जो है सुंदर दिखने में जो है एक बहुत अधिक भूमिका रखता है। तो आज ही जो है ये एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं, सुबह उठकर जो है आप लोग सभी एक्सरसाइज को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज। और ये 40 सेकंड्स की सभी वर्कआउट्स होंगे जो आप लोगों की बूटी को टोन बनाने में और एक गोल शेप देने में आप लोगों की मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्कआउट से। सबसे पहला वर्कआउट है आप लोगों को, इस वर्कआउट में आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप रखना है, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने रखना है, और उसके बाद में आप लोगों को एक घुटने के बेस पर बैठना है तो दूसरा पैर जो है आप लोगों का सीधा रहेगा। अब दूसरे पैर के घुटने पर आप लोग बैठेंगे तो दूसरा पैर जो है वो सीधा रहेगा। तो इसमें आप लोगों को अल्टरनेटिव लेग्स का इस्तेमाल करना है और उस पर बैठना है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, आराम आराम से आप लोगों को करना है। 40 सेकंड्स तक की आप एक्सरसाइज करने से आप लोगों की बूटी एक अच्छी शेप ले सकती है। तो 40 सेकंड की बात है, अपनी बूटी को सुंदर बनाइए, गोल बनाइए और उसे टोन्ड बनाइए। साथ ही आप लोगों के हिप्स पर जो एक्स्ट्रा फैट है उसे रिड्यूस कीजिए और उसे एक अच्छी शेप भी दीजिए। तो वर्कआउट सेशन के बीच में जो गैप है, यानी कि जो रेस्टिंग टाइम है, उसका इस्तेमाल भी आप लोगों को आराम करने के लिए करना है। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों को करना है, दूसरी एक्सरसाइज का नाम है बियर प्लांक विद लेग लिफ्ट, यानी कि आप लोगों को एक हाई प्लांक पोजीशन में रहना है और लेग को लिफ्ट करना है, यानी कि जो एक घुटने को मोड़ कर रखना है, एक पैर आप लोगों का इसमें सीधा रहेगा और जो घुटना मुड़ा हुआ रहेगा उसमें आप लोगों को किक लगानी है। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं, जो राइट ग्लूट्स हैं, वो कितना एक्टिव इसमें हो रहा है, एंगेज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो टोंड बनेगा, वहाँ की बूटी जो है आप लोगों की सुंदर बनेगी। तो अगर आप लोगों को बूटी सुंदर बनानी है तो सभी वर्कआउट्स करने होंगे, और सुबह उठकर अगर आप लोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स इनके आप लोगों को मिल सकते हैं। अब आप लोगों को करते हैं नेक्स्ट, यानी कि थर्ड वर्कआउट। और थर्ड वर्कआउट में आप लोगों को क्या करना है, तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें क्रस्टी लंजेस करना है आप लोगों को, यानी कि जस्ट क्रॉस साइड में आप लोगों को ये लंजेस जो है वो करना है और साइड में आप लोगों को किक लगानी है। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्रस्टी लंजेस। और क्रस्टी लंजेस में आप लोगों के दोनों हाथ जो है वो चेस्ट के सामने रहेंगे, एक पैर जो है यानी कि लेफ्ट लेग जो है वो जस्ट पैर के जो राइट लेग है, जब उसका घुटना मुड़ा होकर आप लोग नीचे की ओर लंजेस करेंगे, बैठेंगे, तो वो पैर जो है वो आप लोगों का उस पैर के पीछे जाएगा और सामने जब आप लोग खड़े होंगे हैं तो आप लोगों को किक लगानी है। तो सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जिसे हम लोग क्रस्टी लंजेस बोलते हैं, 40 सेकंड के लिए आप लोग करेंगे अपनी बूटी को टोंड बनाने के लिए और मसल्स मास को अच्छा रखने के लिए। अब रेस्ट चल रहा है, 10 सेकंड का रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि नंबर फोर्थ एक्सरसाइज है, ये है हील लिफ्टेड सुमो स्क्वाट। हील लिफ्टेड सुमो स्क्वाट का मतलब है सुमो स्क्वाट करना है, दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप रखना है और घुटनों से जस्ट नीचे की ओर आप लोगों को बैठना है। हील लिफ्टेड का मतलब है कि आप लोगों को अपनी एक पैर की जो एड़ी है उसको हवा में रखना है। यही एक्सरसाइज आप लोगों को दूसरे पैर के साथ भी करनी है 40 सेकंड्स के लिए। तो जब आप लोग नीचे की ओर बैठेंगे तो आप लोगों को अपनी एड़ी को हवा में रखनी है, और जब आप लोग खड़े होंगे तो आप लोगों की एड़ी जो है वो नॉर्मल पोजीशन में भी जा सकती है, आप लोग उससे थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, तो इससे भी आप लोगों के ग्लूट्स जो है वो टोंड बनेंगे। अब रेस्टिंग टाइम है तो 10 सेकंड का आप लोग रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज का नाम है, यानी कि सबसे पहले हम लोग बता देते हैं, नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज है ये, पांचवी एक्सरसाइज जो आप लोगों को हाइड्रेंट विद लेग एक्सटेंशन देती है। लेग हाइड्रेंट आप लोगों को करना है, यानी कि घुटना मुड़ा हुआ, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, टेबल टॉप पोजिशन में रहना है और राइट लेग का जो घुटना है उसको मोड़ कर ही रखना है, दोनों पैर के घुटने जो है मोड़ कर रहेंगे। इसमें आप लोगों के जो सरफेस पर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आप लोगों के पैर के तलवे रहेंगे, घुटने रहेंगे और हथेलियाँ रहेंगी। अब आप लोगों को क्या करना है, एक जो पैर है यानी कि राइट लेग है उसको उसी साइड में आप लोगों को
हवा में लेकर जाना है, यानी कि साइड में करना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेंट। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करनी है। अब आप लोगों को करना है रेस्ट, 10 सेकंड का रेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट जो वर्कआउट है, यानी कि नंबर छठा वर्कआउट जो है, वो आप लोगों को फ्रॉग प्लैंक जंप करना है। प्लैंक फ्रॉग जंप भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, या प्लैंक जंप्स भी बोल सकते हैं। इसमें आप लोगों को नॉर्मल हाई प्लैंक पोजीशन में रहना है, उसके बाद में अपना दोनों पैरों को अपने हाथ के पास जो है हथेलियों के पास लेकर आना है। तो ये वर्कआउट कंप्लीट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉग जंप या प्लैंक फ्रॉग जंप। इसमें आप लोगों की जो ग्लूट्स हैं वो देखिए कितने जो हैं वो एक अच्छी शेप में आ सकते हैं, और उन्हें जो है हिप ओपनर भी एक्सरसाइज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक अच्छी हिप ओपनर एक्सरसाइज है, इससे आप लोगों के ग्लूट स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बनते हैं, मसल्स मास इंक्रीज होता है और एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग करें। अब फिर से आ चुका है 10 सेकंड का रेस्ट, तो 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद में हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट वर्कआउट पर। कोई ज़रूरी नहीं है, जो लोग बिगनर हैं वो आराम आराम से भी कर सकते हैं। इन सभी वर्कआउट्स को कीजिए, आराम आराम से भी करेंगे तो भी आप लोगों के ग्लूट्स जो हैं वो टोंड होंगे। अब बात करते हैं नंबर 7th एक्सरसाइज की, ये है रेनबो एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों को सरफेस पे क्या रखना है, देखिए जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोग देख ही पा रहे हैं, दोनों हथेलियां जो हैं वो आप लोगों की सरफेस पर हैं, घुटने दोनों सरफेस पर हैं, और एक पैर जो है का जो तलवा है, दोनों जो पैरों के पंजे हैं वो भी सरफेस पर हैं। लेकिन अब एक पैर से आप लोगों को क्या बनाना है, एक रेनबो बनाना है, यानी कि हाफ सर्कल बनाना है। तो लेफ्ट से राइट की ओर हवा में लेते हुए उस पैर को आप लोगों को एक पूरा का पूरा रेनबो आप लोगों को बनाना है। तो देखिए ग्लूट्स कितने एंगेज हो रहा है लेफ्ट लेग का, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में आप लोगों को करना है रेस्ट 10 सेकंड का, और 10 सेकंड के बाद में हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर। इस वर्कआउट के लिए जो है आप लोगों को 40 सेकंड्स ही मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज, और ये नंबर 8th एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सरफेस पर आप लोगों को सीधा लेट जाना है। अब एक पैर का घुटना आप लोगों का मुड़ा रहेगा तो दूसरा पैर आप लोगों का सीधा रहेगा। अब आप लोगों को सांस अंदर भरते हुए ऊपर की ओर उठना है, तो इससे पेल्विक फ्लोर जो एक्सरसाइज भी बोलते हैं, और उससे ब्लड फ्लो जो है पेल्विक पोर्शंस पर अच्छा होता है, तो ग्लूट्स की जो मसल्स हैं वो भी इससे ज़्यादा इंगेज रहती हैं, क्योंकि जब आप लोग ऊपर की ओर उठते हैं तो अंदर की ओर जो है ग्लूट्स स्क्वीज होते हैं, तो एक्स्ट्रा फैट दिया हम लोग कहें कि लटकती चर्बी जो है वो गायब होती है और ग्लूट्स जो है आप लोगों के मजबूत बनते हैं। अब फिर से आ चुका है रेस्टिंग टाइम, तो 10 सेकंड का आप लोग रेस्ट ले लीजिए। 10 सेकंड का रेस्ट लेना ज़रूरी है हर एक एक्सरसाइज के बीच में, बूटीज को सुंदर बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए। अब नेक्स्ट वर्कआउट पर चलते हैं हम लोग, और ये नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि नंबर 9th एक्सरसाइज है सिंगल लेग डेडलिफ्ट। सिंगल लेग डेडलिफ्ट में आप लोगों को क्या करना है, एक पैर इसमें सीधा रहेगा और दूसरा पैर का जो घुटना है वो मुड़ा हुआ रहेगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है, पैर को पीछे की ओर लेकर जाना है तो वो सीधा रहेगा और आप लोगों को आगे की ओर झुकना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, पैर जब पीछे की ओर जाएगा तब आप लोगों को आगे की ओर झुकना है और सरफेस पर आप लोगों को टैप करना है। ठीक है, अब आप लोगों को जो पैर पीछे की ओर गया है उसी को आप लोगों को घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लेकर आना है और सीधे खड़े हो जाना है। इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल लेग डेडलिफ्ट। ये लेफ्ट लेग के साथ अगर आप लोग कर रहे हैं तो राइट लेग के साथ भी करें। रेस्टिंग टाइम आ चुका है, 10 सेकंड का रेस्ट करें। अपनी बॉडी को आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टोंड बनाना ज़रूरी है, तो सुंदर बनाने के लिए सभी वर्कआउट्स आप लोगों को ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट्स की, यानी कि नंबर 10वें एक्सरसाइज की, स्क्वाट जंप्स। स्क्वाट जंप्स भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बूटी को सुंदर बनाने में, गोल बनाने में और एक अच्छी शेप देने में। तो आजकल जो ट्रेंड है वो बूटी का ट्रेंड है, और डेफिनेटली आप लोगों को हर एक बॉडी पार्ट्स को अच्छा बनाने के लिए उनकी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इंगेजमेंट जो है इंगेज रखना चाहिए सॉरी। और ये जो स्क्वाट जंप्स है ये भी अच्छी एक्सरसाइज है, इसे भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड के लिए। इससे भी आप लोगों के थाइस मजबूत होते हैं, ग्लूट्स मजबूत होते हैं और साथ ही पूरा कार्डियो वर्कआउट भी इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो अपनी बॉडी को सुंदर बनाना है तो रेस्ट कीजिए, 10 सेकंड का रेस्ट कीजिए, और 10 सेकंड का रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूबसूरत बनिए और अच्छे बनिए, हेल्दी बनिए। वर्कआउट करेंगे, हेल्दी रहेंगे तभी खूबसूरत दिखेंगे डेफिनेटली। नंबर 11th एक्सरसाइज है स्क्वाट टू सूमो। स्क्वाट टू सूमो में आप लोगों को सूमो स्क्वाट करना है, यानी दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा कैप रहना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के दोनों पैर हैं, ये देखिए कैसे मूव कर रहे हैं, आप लोगों के लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। जब आप लोग नीचे की ओर बैठते हैं तो आप लोगों के जो दोनों पैर के पंजे हैं दोनों साइड हो जाते हैं,
और जब आप लोग थोड़े से खड़े होते हैं तो आप लोगों के दोनों पैर के पंजे आपस में पास की ओर आने लगते हैं। तो इसमें आप लोगों को पूरा फुल खड़ा नहीं होना है, और जिसमें पूरा का पूरा जो फोकस है, पूरा का पूरा जो जोर है, वो बूटीज पर ही जाता है। तो बूटी टोंड बनती है इस एक्सरसाइज से। ये वर्कआउट भी कंप्लीट होता है और आप लोगों के पास आ जाता है फिर से रेस्ट। और रेस्ट के कंप्लीट होने के बाद में हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर। और ये वर्कआउट जो है उसका जो नाम है, यानी कि नंबर 12th एक्सरसाइज होगी ये, और इसमें इसका नाम है सूमो स्क्वाट टू काफ रेज। यानी कि आप लोगों को अपनी एडी को जब आप लोग ऊपर की ओर करेंगे सूमो स्क्वाट पोजीशन में, तो आप लोग देखिए लेफ्ट टू राइट आप लोग अपने पैर को, पैर की जो एडियाँ हैं उनको आप लोग जो है उठा रहे हैं। तो इससे आप लोगों जो काफ्स हैं आप लोगों की, वो भी इसमें ज़्यादा इंगेज रहती हैं, आप लोगों की बूटी इंगेज रहती है। तो इससे आप लोगों को अच्छा रिजल्ट जो है अपने लेग्स को अच्छा बनाने में, अपनी बूटी को सुंदर बनाने में मिल सकता है। तो ये थे सभी वर्कआउट्स, 12 वर्कआउट्स करेंगे बूटी को सुंदर बनाने में, टोंड बनाने में। वर्कआउट कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।